हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं परवल और आलू का दम। तो मैंने परवल को फ्राई कर लिया है इस तेल में। अब इसमें जीरा और तेज पत्ता और लाल मिर्ची सूखी डालेंगे। और मेरे हस्बैंड को जल्दी जानी थी तो मैंने जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली। और इसमें अब प्याज और हरी मिर्च डालेंगे और इसको तलेंगे ब्राउन होने तक। फिर मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं डाल के मैंने कूट के डाला है। कूट के डालने से ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया ब्राउन होने के बाद। और फिर इसमें लाल मिर्ची डाला और हल्दी, धनिया पाउडर। आप इसकी मात्रा आप छोटे चम्मच से ले सकते हैं। अब जितना बनाया देखिए उस हिसाब से बनाइएगा। और फिर मैंने नमक डाला स्वाद अनुसार। और फिर इसको भून लेंगे बढ़िया से। जब इसमें तेल छोड़ने लगे ना, तब तक भूनना है और खुशबू आने लगे। और फिर मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची पीसी थी सिलबट्टे पे, वो डालनी है। और आलू जो उबाले थे वो डाल देनी है इसमें। और फिर इसको बढ़िया से चलाना है। आज मैं जल्दी जल्दी बना रही थी इसलिए अच्छा से सूट नहीं कर पाई। फिर थोड़ा सा मीट मसाला डालिए, थोड़ा अच्छा स्वाद आएगा। और जो हमने पीसा था सिलबट्टे पे वो डाल देना है। वो लास्ट में डालना है, पहले मत डालिएगा उसको, से टेस्ट बढ़ जाता है। और आप खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगेगी ऐसे बनाई है। और फिर जो हमने परवल फ्राई किया था उसको डाल देना है। और फिर इसको चलाना है बढ़िया से। आप अच्छा से फ्राई करिएगा तभी ये अच्छी बनेगी। थोड़ा सा भी मसाला कच्चा रह गया तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। फिर अब हम इसमें पानी डाल देंगे, कि ग्रेवी हमें अच्छी रखनी है, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी होगी तो रोटी या चावल के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हमने इसमें पानी डाला है बस। 5 मिनट और लगेगा इसको पकने में। ढक्कन लगा कर रख देंगे। और ये देखिए अब ये बन चुका है हमारी आलू और परवल की सब्जी। इसको हम लोग कच्चे आलू से भी बना सकते हैं। आप इसको खा के देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब।